नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आज हम आपको बताएंगे कि वर्तमान में लहर किसकी है, पटना के अंदर कौन सी सरकार की लहर है। अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है या एनडीए गठबंधन या पहले का महागठबंधन, इन दोनों में से इस बार लहर किसकी है और जनता किसके साथ है, ये सब हम पटना के अलग अलग जगहों से आपको दिखाएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा अभी वोटिंग का ज्यादा जीतने का चांस है कमल छाप का। हाँ जी, रामकृपाल यादव। हाँ जी, उन्हीं का लहर है। हाँ जी, हमेशा वही जीतते हैं यहाँ से। किसकी लहर? हम बीजेपी के वोट देंगे। बीजेपी? हाँ जी, रामकृपाल यादव। हाँ जी, रामकृपाल जी। तो आपको क्या लग रहा है लहर इस बार किसकी है? लहर तो अभी नया चढ़ाएगा, नया चढ़ाएगा नया चेहरा जी। तो लहर किनका है इस बार यहाँ बिहार में? नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी। किसकी लहर है इस बार? तो लग रहा है कि मिली जुली सरकार ही बनेगा। कन्फ्यूजन है इसमें बहुत बड़ा। कोई नहीं कह सकता कि 100% ये नहीं का सरकार बनेगा। यहाँ किसकी लहर है? इसका लहर तो अभी हम कुछ दोनों का सर नाम सुन रहे हैं। जो वोटर है दोनों तरफ है, आरजेडी वाले हैं आरजेडी बोल रहे हैं, बीजेपी वाले हैं बीजेपी बोल रहे हैं। आप कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे कि आपका क्या मतलब रुझान है, क्योंकि वोटिंग तो अब 19 तारीख को ही है। हाँ हाँ, वोटिंग के अनुसार में तो अब जो देखा जा रहा है केंद्र सरकार की नीति, वो तो उन्हीं के अनुसार में देखा जाएगा। और हम लोग तो फैसला वही पर करेंगे कि जो विकास के करेंगे, और जो कर रहे थे उसका तो पिछला नहीं देखेंगे, जो अभी कर रहे हैं उसी को देखेंगे। इस बार किसकी लहर? यहाँ तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। तो यहाँ प्रत्याशी तो मतलब है राजद से, कांग्रेस से गठबंधन है। हाँ, तो मतलब यहाँ महागठबंधन की लहर है। हाँ, और इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें किसकी लहर है? इसमें हमारे समझ से जो है कि केंद्र सरकार बीजेपी के कार्य को लेकर के जो है कि उसकी लहर है, और साथ साथ राज्य सरकार का भी जो है कि जब गठबंधन है तो जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ही लहर है यहाँ।